मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांजी क्षेत्र सहित भानेगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड वैक्सीन टीका लगना प्रारंभ हो गया है। डॉक्टर प्रशांत पाटिल ने बताया है कि कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आज ग्राम भानेगांव में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान SDM श्री परमार द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा केंद्र में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, किस लेवल तक पहुंचा है और कैसे लोग क्या महसूस करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटिल, इंचार्ज प्राइमरी हेल्थ सेंटर भानेगांव। आज दिनांक 17/3/2021 से कोविड के जो वैक्सीनेशन है 60 साल से ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को लगना प्रारंभ हुआ है। अभी तक के हमने 123 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और अभी तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली। ये वैक्सीन सुरक्षित है और इस वैक्सीन के कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे अनेक हैं। अवेयरनेस के लिए क्या बताएं? अवेयरनेस के लिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है, सभी व्यक्तियों से प्रॉपर बातचीत की जा रही है और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जा रही है। तो टारगेट कितना था? टारगेट हमको आज वैसे तो मिला है 150 का, पर हम शाम के 5 बजे तक के जितने भी हितग्राही हमारे पास आना चाहते हैं हम सारे का वैक्सीनेशन करना। लांजी से खबर समय जगत के लिए रूपेश रावती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।